ସୁନ୍ଦରୀନଗର ପାରାଦୀପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ନାନୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍କୋକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଇଫ୍କୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ୟୁନିଟ୍ର କେଜେ ପଟେଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାନୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा जिला रहो कौन फ़ायदा ऐसी स्वागत करें रहे हैं सर जो नैनो प्लांट अभी होने वाला है इसलिए क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ केंद्रापड़ा जिले और जगत सिंहपुर जिले के क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नैनो फर्टिलाइज़र से केवल जगत सिंहपुर ज़िला और केंद्रपड़ा जिला नहीं लेकिन पूरे हमारे समग्र देश को फ़ायदा होगा नैनो फर्टिलाइज़र एक इस प्रकार के फर्टिलाइज़र है कि जिसमें कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है इससे हमें दो फायदे होते हैं एक तो यह है कि इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से किसानों को काफ़ी सहूलियत होगी जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स को जैसे किसान यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल को भी तकलीफ़ होती है सॉइल में जो पोल्यूशन होता है और साथ साथ में प्रोडक्टिविटी जो सॉइल की होती है वो भी कम होती जाती है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स कन्वेंशनल यूज़ करते हैं यूरिया है डीएपी है एनपी है एनपीके है, है लेकिन जब नैनो फर्टिलाइज़र है ये स्प्रे करके अप्लाई किया जाता है जो कि जो प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है इससे न सॉइल्स को खराब होता है और इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है स्प्रे टेक्नोलॉजी जैसे कि स्प्रेयर्स वगैरह पंप से होता है साथ साथ में आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको अप्लाई किया जाता है किसानों को इससे जो परीक्षण हुआ है नैनो फर्टिलाइज़र का इसे ये पाया गया है कि आठ से दस प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ क्रॉप बट उससे भी ये, ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वो भी बढ़ती है क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और उपयोग करने के लिए भी बहुत आसान है एक 50 किलो का बोरा या बस्ता कहते हैं जैसे हम उड़ीसा में तो 50 किलो का बस्ता केवल 500 मिलीलीटर की एक बोतल के अंदर में उतने ही प्रमाण का जितना फर्टिलाइज़र वो पाँच पचास किलो का बक्सा देता है उसके बराबर का 500 सौ की एक बोतल में जो कि नैनो फर्टिलाइजर के माध्यम से हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे दूसरी बात क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में हालत ज़्यादा ही ख़राब है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र्स बड़ी मुश्किल हो रहा है बाहर से जब हम फर, फर, फर्टिलाइज़र ख़रीदना पड़ता है हमारे देश में जितना भी चासी लोगों को जो ज़रूरत है उतना फर्टिलाइज़र बन नहीं पाता है तो इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है चाहे वो यूरिया हो डी हो तो और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो बाहर से जब विदेशों से इसको ख़रीदा जाता है तो इसके बहुत ही अधिक दाम देने पड़ते हैं पैसे भी बहुत लगते हैं जब हम लोग यहाँ बनाएंगे इस प्रकार के नैनो फर्टिलाइजर्स के उपयोग से हमारी जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी दूसरा किसानों को समय पे फर्टिलाइज़र मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात कि ये जो फर्टिलाइज़र नैनो का है इसमें किसी भी प्रकार की सरकार से सब्सिडी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा ही किफ़ायती दर से एक बड़ी इकोनॉमिकली इसको बनाया जाएगा हमारे देश में और इसको किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा और जो इसकी प्राइस रहेगी जैसे आज की डेट में नैनो यूरिया की एक बॉटल है उसकी कीमत केवल दो सौ है तो इस पर जो सरकार की जो सब्सिडी एक पचास किलो या पैंतालीस किलो की जैसे यूरिया की बैग होती है उस पर तीन हज़ार पाँच सौ से भी ज़्यादा इसकी सब्सिडी देनी पड़ती है वो सब्सिडी की इसमें किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है ये पैसे सरकार के कहीं और हमारी नागरिक के विकास के लिए हमारे देश के विकास के लिए काम में आएंगे और ये फर्टिलाइज़र जो है हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे आुणुले केजे पटेल् सारको प्रतिक्रिया थियो तपाईँ जति कहाँ इफ्ो एटि अनेक वर्ष धरि इपो इफ् क्यारिच अन्य पक्ष इफ्ो अनेक कर्मचारी म नियुक्ति दिम केन्द्रापडा जिल्ला कथा कगतसिंहपुर जिल्ला कथा राज्य देश देशर अनेक कोण अनुकण जो युवक मैंने चाकरी पाई ये निश्चित भाव गोटे साधुवादर कथ कह अंप कह पारादीप जो शिप्पंचल रही है जो शिण्पांचलर रे पूरा छतु फुटापरी शिल्प कारखाना रही पल्युशन अनेक प्रकार तीव्रत रोच सर क्या बोलेंगे जो पल्युशन के लिए क्या क्या अपने क्या क्या अपने ये फायदा लिए जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है और नैनो फर्टिलाइज़र की बात है ये जो नैनो फर्टिलाइज़र का प्लांट है अभी जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है एक दिन के अंदर में हम लोग दो लाख बोतल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे और इस फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बड़े ताजुब लगेगा कि दस एकड़ ज़मीन के अंदर में इस प्लांट को लगाया जाएगा और ये पूरा नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट है वो एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर ही होगा जो कि एक एयर कंडीशन बिल्डिंग में होगा और इसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हम लोग उसके जरिए इसको लगाएँगे तो इसके बॉटल्स को बनाने से शुरू करके प्लास्टिक के दानों को खरीद के प्लास्टिक से उसकी बॉटल्स जो बनेंगी वो बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हुए उसके बॉटलिंग प्लांट भी यहाँ पर होगा नैनो फर्टिलाइज़र लिक्विड है वो भी यहाँ बनेगा और जो भी बोतल में इसको पैक किया जाएगा वो किसी भी प्रकार का इसमें एडल्ट्रेशन ना हो इसके लिए उसमें बहुत ही अच्छी वेड की जो है उसको उसमें एक प्रोविजन किया गया है साथ साथ में इसमें क्यू आर कोड भी लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ बनेगा यहाँ से जो जो जगह पर जाएगा तो उसको भी पूरा हम लोग ट्रेस करेंगे दूसरी बात जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है तो इसमें बहुत ही निग्लिजिबल मात्रा में पॉल्यूशन होगा इसमें यह जब हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे इसमें कोई जिप्सम का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा दूसरा यह है कि हमारे यहाँ कन्वेंशनल प्लांट है जिसमें कि 2000 हज़ार एकड़ का लैंड में हम 7000 टन तक बनाते हैं एक 6000 से 7000 टन एक दिन में फर्टिलाइज़र जबकि ये 10 एकड़ ज़मीन के अंदर में एक दिन में इक्विवलेंट दस टन का चूँकि दो लाख बॉटल्स का फर्टिलाइज़र का हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे होगा और ना ही इसके उपयोग से भी होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ से फ़ायदा है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान दर, भी इसमें पॉल्यूशन नहीं है और जो फील्ड्स में यूज़ करेंगे उसमें भी नहीं है और जो भी पॉल्यूशन या पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे उनको सबको रिसाइकल किया जाएगा और इसके लिए पूरी जो इसकी प्रणाली है इसकी प्रोसीजर्स है वो तो सारे हम लोगों ने सरकार को हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूरा सुपृत किया हुआ है उनको दिए हुए हैं और उनकी तरफ से पूरा एग्जामिन करके उसके बाद हम लोग को जब इसके लिए परमिशन मिलेगी तभी हम लोग इस प्लांट को काम करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह स्टार्ट करेंगे अपना श्रोतिले की वड़ी बाबा जब इफ़को यूनिट्र हेड थे किभली भाव प्रतिक्रिया रखुले कहीं नानो प्लांट हम तेबे पल्यूसनर जो रही व्यवस्था तेज सरकार स्वीकृति रही पूरा तमाम कथा कहते तेब अने पक्ष में आ कि प्रश्न रही सर सर क्या बोलेंगे जो जब इफ्को आया था यहाँ क्या लोगों के कितने नौकरी दिया मिला अभी जो नानो प्लांट होगा तो क्या सोशल आक्टिविट है ईफ्को का मैं आपको बताना चाहता हूँ इफको पारादीप इकाई तो हमारी पाँचवीं इकाई है इसके पहले हमारे इफ्को के चार प्लांट्स पूरा देश में चल रहे हैं आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है वो इफ्को है और पूरे देश के बाद अगर हम ये बात कर लें कि पूरे विश्व में तो विश्व का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सिंगल रिएक्टर एसिड प्लांट वो भी हमारे यहाँ उड़ीसा में पारादीप में स्थित इफ्को के पारादीप यूनिट में है तो ये जो प्लांट के साथ हमारे जुड़े हुए जो कर्मचारी है करीब करीब हमारे यहाँ पर पाँच हज़ार कर्मचारी काम करते हैं जो कि परमिनेंट एम्प्लॉयज़ है हमारे श्रमिक बंधुगण हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से आते हैं और ये सारे ही श्रमिक बंधुगण और जो हमारे कर्मचारीगण इन सबको मिला कर के करीब करीब 20 से पच्चीस हजार लोगों का परिवार है वो इनके साथ पलता है इनके साथ साथ में हमारे जो भी सप्लायर्स हैं बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है उनकी तरफ से भी उनके एम्प्लॉयज़ और उनको भी रोजी रोटी मिलती है उनको भी चाकरी मिलती है और अगर देखा जाए तो ये इफ्को एक ऐसी संस्था है जो कि कोऑपरेटिव यूनिट है ये कोऑपरेटिवस के जरिए इस संस्था को निर्माण किया गया उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया और कोऑपरेटिव के माध्यम से देश के करीब करीब पाँच करोड़ किसान इस संस्था इफको के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब का जो परिवार है वो भी फल फूल रहा है पूरे देश की हरित क्रांति के लिए इफ्को ये फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करके सभी किसानों तक जो पहुंचा रहा है उसमें भी ये हरित क्रांति में इफ्को का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इफ्को की पारादीपिकाई और कांडलाइकाई जहां पर ये डी ए वगैरह फॉस्मेटिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं आपको समझ के खुशी होगी कि हर तीसरा बोरा इफ्को का होता है और यहाँ तक का हमारा कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में है जब डी की मार्केट के अंदर में अवेलेबिलिटी नहीं होती है एक इफ्को ऐसी संस्था है जिसमें हमारे कर्मचारियों ने मिलजुल करके कोविड के दौरान भी पूरा प्रोडक्शन किया प्रोडक्शन अधिकतम मात्रा में किया और ये इन्श्योर किया कि हमारे देश के किसानों को हमारे राज्य के किसानों को हमारी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट किसानों की है उसको हम लोग ने पूरा किया सर कभी 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 आ जाता है फ्लोर आ जाता है साइक्लोन आ जाता है तो इफ्को क्या करता है जनता के लिए क्या सेवा करता है देखिए जन सेवा वही प्रभुसेवा है और हमारे यहाँ पर इफ्को में एक धर्म है कि हम लोग पहले हम सबसे बात यही कहते हैं कि मैनेजर्स बाद में हैं पहले हम इंसान हैं ह्यूमन बीइंग है और जब इंसानियत की बात होती है तो हमारे परम आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी के निर्देशन में हमने यह तय किया है कि कभी भी जिनको भी जहाँ भी जो हमारे साथी है कर्मचारी है हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं इनकी भलाई के लिए इनकी अच्छाई के लिए हमने इफ़को एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है और इसके तहत हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और लोगों के हॉस्पिटल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ तक कि जब कोविड का समय आया तो इफ़को ने एक सात करोड़ रुपया खर्च करके रातों रात जल्दी से जल्दी हम लोग ने एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया और उस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से हमने यहाँ के जो भी सरकारी अस्पताल वगैरह वहाँ बिना एक शुल्क एक पैसा लिए हुए हमने जहाँ जहाँ से जिनको जिनको ज़रूरत हुई उनको हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये इफ्को का एक ये परंपरा रही है कि सोशल सर्विस के लिए सबके भविष्य अच्छा रहे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम साथ खड़े होते हैं सोशल एक्टिविटीज़ करनी होती है उसमें भी हम लोग चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क हो सैनिटाइजर्स हो जहाँ भी जो भी समस्या हुई जो भी ज़रूरत पड़ी तो इसको हमेशा कदम से कदम मिला कर के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सरकार के साथ हमारे अगल बगल की जो भी पॉपुलेशन है उनके साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କେଜେ ପଟେଲ ସାର୍ଙ୍କର ତେବେ କହିବା ଇପ୍କୋ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସେବାରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼୍ ଭଳି ମହାମାରୀ ହେଉ ସବୁ ସମୟରେ ଇପ୍କୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା କହିବା ଅନେକ କଥା କହିବା ତେବେ ସବୁ ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଏହି ଇପ୍କୋ ସବୁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ନାନୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି जे पल्युसन मुक्त हे अनेक बेकार जुवक युवती चाकि पारे तेबे एनै खुशी व्यक्त गरुन चाहिँ टोटाल समस्त दुईटी जिल्ला साधारण जनता तपाईँ आमे आशा रख् यही पटेल् सारको माध्यम आउरी आगको जाउँ ए नानो प्लान्टले किमचारी हुन् कम्बा आम अञ्चर बेकार जुवक युवती नियुक्ति पाँच एसी मै सुविधा एज आसु पारादेव क्यमेरा सरोजको सह प्रभातले अर्कुस न्युज